तो दोस्तों बताइए आज किसका रिव्यू करें। इसका हो चुका है। ये हमारे बोले तो सरताज जी का SP007 जो ओपन बॉक्स पे आता है वो सबसे टॉप ब्लॉग है जो उनका, वो है NRK। नहीं, आज हम रिव्यू करते हैं शावेज का। जी दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे शावेज का। लेट्स पुल आउट। आप देख सकते हैं ये हमारे पेस शावेज का मांझा, तूफानी तूफानी जलवा। बाकी दोस्तों आगे वीडियो में मिलते हैं, इसका रिव्यू करते हैं अच्छे से। दिस इज द टाटा टाइम। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग और कैसी हो रही है पतंगबाजी। तो दोस्तों टाइम चल रहा है, टाइम कट रहा है, कोरोना का टाइम है, थोड़ा सा लॉकडाउन भी है, तो काफ़ी अच्छी पतंगबाजी हो रही है मेरी साइड। तो मतलब शाम को 5 बजे के आसपास धूप होती है, पर देखा है काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे काफ़ी बड़े भी चढ़ जाते छत के ऊपर पतंगे लेके। ज़्यादातर लोग उड़ाते हैं चाइनीज़। कोशिश करिए, कई बार समझाया है कि भैया उड़ाओ कॉटन का मांझा, ऐसा नहीं है, अच्छा होता है, बट यूजली उड़ाते हैं चाइनीज़। बट ये है कि पतंगबाजी हो रही है बहुत दबा के हमारे यहाँ, तो मतलब दिल लगता है कि 5 to 7, 7:30 तक बहुत अच्छी पतंगबाजी हो जाती है, काफ़ी कुछ मिल जाता है, दो तीन पतंगे उड़ाने को मिल जाती है, काटने को मिल जाता है, कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ करने को, नया एक्सपेरिमेंट करने को मिल जाता है। तो कहते हैं ना कि लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा हो रहा है। और आजकल तो जैसे मैंने भी कुछ पतंगे मंगवाई थी बीच में, अभी सस्ती पतंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मैं भी कुछ ना कुछ नया कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरीके से करने पे क्या रिजल्ट आता है। तो कल को जाके उसको ट्राई करेंगे जब हम अपने मैदान में वापस जाएंगे। तब तक के लिए छतों की पतंगबाजी बहुत ज़िंदा चल रही है। आप बताइए आपके यहाँ पर कैसी हो रही है पतंगबाजी। लॉकडाउन में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? लॉकडाउन में आप इंजॉय कर पा रहे हैं पतंगबाजी का? लोग उड़ा रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं पतंगबाजी का? शेयर योर थाट्स, शेयर योर व्यूज़। अपने वहाँ की पतंगबाजी रिकॉर्ड करके भेजिए। आई विल ट्राई कि मैं भी अपने यहाँ की पतंगबाजी बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ। बाकी दोस्तों अपना आपका स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है पतंगबाजी विद सनी, जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं अच्छे मांझों का, अच्छी पतंगों का, और डिस्कस करते हैं पतंगों और मांझों के ऊपर। सो प्लीज़ बाकी दोस्तों अपनी वही 1 2 3 की सीरीज, और आज एक मैं लेके आया हूँ बहुत ही मतलब जाना माना नाम है, जो लोग यूज़ करते हैं अच्छे से जानते होंगे कि इस मांझे को वैसे तो कोई पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकर इन बरेली, मैं इनको बोलता हूँ, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मतलब मैंने इतने मांझे मेकर्स का रिव्यूज़ किया है, तो दे आर बेस्ट, उनका मांझा भी अच्छा है। बट दो मांझा मेकर है जिसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ। एक हमारे फरमूद बैग है, और एक ये हमारे शावेज भाई, जी हाँ, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। ये है तूफ़ानी जलवा, शावेज का सबसे टॉप का ब्लॉग है ये। सब बताऊंगा इसके ऊपर, प्राइस का, इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है इस टाइम पे, कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, खासियत बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने काफ़ी मांझों के रिव्यूज़ करे हैं, जहाँ पे मैं बताता हूँ वन ऑफ द बेस्ट। जैसे मेरे को अतीक का मांझा बहुत पसंद आता है। अतीक के बाद अगर मैं बात करूँ तो आजकल मुझे रशीद के मांझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट मैं बात करता हूँ फरमूद बैग और तूफ़ानी जलवा शवेद भाई की। इनके पास पता नहीं हाथों में जादू है या कोई डाई है। अगर जैसे मेरे पास फरमूद बैग के भी 3-4 चरखे हैं, आए हैं, इनके भी मैंने यूज़ किए हैं, तो ना कहीं ना कहीं ना क्वालिटी में ना ऊपर नीचे नहीं होता। आप समझे मेरी बात को? कहते ना कि एक वेल नोटेड, कहते हैं ना कि एक ही रेशियो पे चलने वाली क्वालिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चरखे में क्वालिटी बहुत अच्छी आई तो एक में डाउन आई है। इनका मतलब कहते हैं ना कि सदाबहार, कहते हैं ना कि कोई डाई है इनके हाथ में, कि जो मांझा सूतता है तो वो बिल्कुल वैसा ही सूतते हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने मैंने चरखे मंगवाए हैं, मैं उनमें मतलब दो दो तीन तीन रील निकाल के भी देख चुका हूँ, क्वालिटी में कहीं भी मतलब कहते हैं ना कि कहीं पे पतला मोटा ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब एक परफेक्ट कोटिंग करते हैं मांझे के ऊपर, तो बड़ी खासियत, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब कि ये चीज़ ना ऐसे मांझे में ऐसा नहीं है कि दो चरखी में बड़ी अच्छी कोटिंग आई, दो में कम हुई, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ना कि सदाबहार इक्वलेंट एक ही जैसे लेवल की कोटिंग है, और इसलिए ये मांझे मेकर दोनों मुझे बहुत पसंद आते हैं। कि भैया कहते हैं ना कि एक हाथों में जादू या डाई है जिसके थ्रू करते हैं तो एक ही, ऐसे कहते हैं ना कि डाई के थ्रू निकलेंगे पीस तो एक बराबर ही निकल के आएंगे, तो सारे मांझे एक जैसा ही चरखे हैं, एक जैसी बनती है इनकी।
बाकी दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते मैं आपको चरखी दिखाता हूँ और इसको करता हूँ अनरैप। तो कुछ इस तरीके से चरखी आई थी, ये अभी आया था क्योंकि इससे पहले वाला मेरा ख़त्म हो चुका था तो ऑर्डर किया था शावेद भाई के पास। बहुत काम है भाई, ऑर्डर करने के बाद यू हैव टू वेट। गलती उनकी भी नहीं है, काफ़ी काम है और ख़ुद लग के काम करते हैं, यानी कि खाली ऑर्डर देते हैं, खुद काम करते हैं तो काफ़ी मेहनत करते हैं हर एक चीज़। कभी कभी क्वालिटी तभी आती है क्योंकि बिकॉज सब उनके हाथ का होता है, तो सब कुछ देते हैं तो मानना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा टाइम लगा आने पे वो फाइनली आ गया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रैपर है, इस पे बेस्ट क्वालिटी शावेस और ये है हमारा तूफानी जलवा। चरखी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई है मैंने। चरखियाँ बहुत आ रही है आजकल ना, काफ़ी मेकर्स ये वाली चरखियाँ यूज़ कर रहे हैं। अब है टाइम इसको अनरैप करने का। तो कुछ ऐसा इसके ऊपर स्टिकर लगा नहीं हुआ जिसपे मैं आपको कुछ फ़ोन नंबर दिखा सकूं, सिंपल लिखा हुआ तूफ़ानी जलवा शावेस का ब्रांड है ये। और इसको हटाने के बाद असली मांजा यहाँ पे आता है दोस्तों। तो ये है हमारे शावेस भाई का मांजा, आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टेड किया हुआ मांजा है। तो चरखी बिल्कुल नई दिखा दी मैंने, कहा पुरानी चरखी दिखाने का फ़ायदा नहीं है। यह है शावेस जलवा, आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसको तूफ़ानी जलवा भी बोलते हैं। डबल कोड मांझा, जी हाँ दोस्तों, यह है डबल कोड का मांझा जिसमें एक जो सबसे नीचे की कोटिंग होती है वो अलग रंग की होती है, अलग उसकी लुत्थी बनती है, उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो अलग रंग की होती है, उसमें अलग लुत्थी बनती है। मैं आपको फ़ोन नंबर दिखा देता हूँ, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं इस मांजे की तारीफ़ आपसे कर रहा था, मैं आपको मांजा दिखाता हूँ। जैसे ये 1 2 3 पे है तो मैदान पे आपका अलाउड है। तो दोस्तों थोड़ा सा मांजा निकाला है मैं, आपको चरखी फिर से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से स्टिकर आता है, शावेस भाई की फ़ोटो लगी हुई है, इस पे उनके ब्लॉग का नाम लिखा हुआ है, शावेस जलवा डबल कोट। इससे नीचे वाला जो आता है वो डबल कोट नहीं होता है, उसमें एक सिंगल रंग की मतलब सिंगल कलर की लुथी चलती है, उसका प्राइस इससे कम है। कुछ इस तरीके से घुमा के देखो, इन्हीं की फ़ोटो है। एक जगह पे जाके कुछ इस तरीके से एक ईगल का फोटो लगा हुआ है, मैदानी धुला मांझा आप देख सकते हैं दोस्तों। कोई लच्छी का मांझा नहीं है, नॉर्मल मैदानी धुला मांझा है। शावेद भाई साहब बोलते हैं कि मैदानी धुला मांझा है, कोई लच्छी करके नहीं बेचता मैं इसको ऐसा करके। अब दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि मतलब इस मेकर की जो मुझे क्वालिटी समझ में आती है ना, मैंने बोला ना कि चरखियाँ, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप अगर आप इनका माल देखेंगे ना, आप 1 2 3 की कोटिंग देख सकते हैं इसके ऊपर। मैं आपको ना डोर दिखाता हूँ, एक तो बारीक डोर, और जितना भी मेरे पास इनके चरखे आए ना सब में सेम क्वालिटी आई है, किसी में भी हल्का ऊपर नीचे मुझे दिखा नहीं कि मोटा हो, ठीक है। और ये हर तरीके के पेचों के लिए कामयाब डोर है, आप इसको फंसा के लड़ाइए चाहे 1000 मीटर पे, चाहे 1200 मीटर पे, चाहे आप इसे खींच के लड़ाइए, छोटे से छोटे पेच से लेके बड़े से बड़े पेच पे लड़ने के लिए तैयार डोर है ये। बहुत ही बेहतरीन, मैं तो कहता ना कि काम है इस डोर में, आराम से लड़ेगी आपकी 1200 1300 मीटर के ऊपर ये, और छोटे पेचों पे भी आराम से, मतलब कहते हैं ना कि सदाबहार डोर है ये शावेद भाई की, बहुत ही जेन्युइन डोर लगती है मुझे। और मैं इसकी मतलब मैं बता रहा हूँ कि कई जगहों पर इनका माल जाते बिकता है, एडवांस में बुक होता है इनका माल, बहुत सी जगहों पर इनका माल, तभी बड़े बिजी रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर मतलब लेते हैं तो बोल के लेते हैं कि भैया टाइम लगेगा, बिकॉज क्वालिटी बनाने में टाइम लगता है। तो अगर आप यू लुकिंग फॉर ए फाइनेस्ट क्वालिटी, आई सजेस्ट कि शावेद भाई को आप ऑर्डर दीजिए, बट उनको परेशान मत कीजिएगा कि भैया फ़ोन करके भैया 10 दिन में ऑर्डर दो, आपको टाइम बताएंगे, उस टाइम के बाद उन्हें कॉल कीजिए। कई बार लंबा टाइम ले लेते हैं बट आखिरकार में ऑर्डर आता आता, और जो चीज़ आती है ना, कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो ये वो सबर का फल मीठा है, ये वो सबर का फल मीठा है। बहुत बेहतरीन मैं बोलूँगा कि हर तरीके के, इसको मैं ये नहीं बोलूँगा छोटे रेंज या लंबे रेंज के लिए, ये आपके हर तरीके के पेचों के लिए बहुत ही बेहतरीन डोर है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की इसकी। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर, तो भैया स्टार्टिंग में जब मैंने बहुत पहले लिया था तो 1500 के आसपास का था, जो ये लेटेस्ट मंगवाया है ये 1750 का था। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर कि आप मेकर से बात करके कैसे ले सकते हैं, कि कितना कम करवा सकते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट ही होता है कि भैया हम हमेशा आपसे ही माल लेते हैं तो थोड़ा कुछ तो डिस्काउंट दो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डिस्काउंट लेते हो। बट अभी का हाल फिलहाल का रेट है 1750 रुपये इस चरखी का। थोड़ा सा रेट बढ़ा है माल की वजह से, थोड़ा सा रेट बढ़ा है, हर चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी शावेश भाई से लेने, तब उस टाइम पे 1550 का प्राइस था, अभी 1750 का प्राइस है जो लेटेस्ट आया है मेरे ऊपर। इवन दो मैं तो पुराना में बंदा हूँ तब भी मुझे इतने का मिला है। मैं उनको बोला भैया ये रेट तो मैं ले चुका हूँ, लेकिन ठीक है अब
उनके भी सही कहना है कि भैया हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जेब से कोई देना पसंद नहीं करता। बाकी दोस्तों वंस अगेन हम टेलिंग यू यार, इस क्वालिटी एक फरमूद बैग और इनके ऊपर कि यार ये चीज़ ना, मतलब आपको कहते ना कि बहुत कम मेकर से मिलेगी जो हर चरखा एक क्वालिटी का बना के दे सके। वरना कईयों में कंप्लेंट आती है, मुझे नहीं कंप्लेंट आई, जितने चरखे आए हैं मेरी टीम के बंदे यूज़ करते हैं, मेरे कुछ जानकार भी ले चुके हैं, मैं खुद इनकी चौथी या पांचवी चरखी है मेरे पास ये इनकी, और आज तक मुझे इनको क्वालिटी को लेके ना कोई मतलब कहता हूँ कोई भी मतलब वो नहीं आया। सबसे बड़ी बात है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, रीज़न बींग 1700-1800 की रेंज के अंदर हर तरीके के पेच को लड़ाने के लिए काफ़ी सक्षम है ये मांझा, काफ़ी पावरफुल है ये मांझा शावेज़ का। आप आँख बंद करके इस मांझे पे ट्रस्ट कर सकते हैं हर रेंज के पेच के ऊपर, और हर जगह लड़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1-2-3 की डोर है, तो ग्राउंड पे तो वैसे भी बैन नहीं है, छतों पे भी लड़ा के देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। अगेंस्ट चाइनीज़, अगेंस्ट हर तरीके के पेच में फंसा के लड़ाने में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं, ट्राई करके देखिए दोस्तों मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं, बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल दोस्तों, अपना प्यार यू बना के रखिए, बाय बाय दोस्तों।